Hello everyone, my name is Mamta Goyal. Today I will teach you elasticity of demand, in which we will study introduction, what is elasticity of demand, types of elasticity of demand, price elasticity of demand, different method for measuring price elasticity of demand and numericals. इसमें से क्या होता है स्टूडेंट्स कि 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 95% बनता है कि न्यूमेरिकल ही आएगा और 5% थ्योरी का रहता है. लेकिन 5% थ्योरी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी छोड़ सकते हैं. इंट्रोडक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ये कहाँ से लिया गया है कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. इसका ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड तो हमने पता किया ही है, डिमांड क्या होता है. अब इलास्टिक को पता करना है. इलास्टिक मीन देखो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है. लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है हमारी? इंक्रीज होती है. लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है. ये केवल हमारा क्या बताता है? क्वालिटेटिव, कि एक के डिक्रीज होने से दूसरी क्या होती है? इंक्रीज होती है. और एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होता है, और एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है. लेकिन ये नहीं बताता कि किस रेशो में, किस प्रोपोर्शन में या किस परसेंटेज में प्राइस के घटने पर डिमांड जो होती है वो इंक्रीज होती है. वो कौन बताएगा? लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, वो बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू अ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी. यानी कोई भी दूसरे फैक्टर जो कॉमोडिटी, जो डिमांड कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके चेंज आने से, परसेंटेज चेंज आने से कितना परसेंटेज चेंज हमारी डिमांड में आता है. यानी प्राइस के चेंज आने से कितना परसेंट चेंज आने से हमारी जो डिमांड है वो कितने परसेंट इफेक्ट होती है. दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री मेजर. इलास्टिसिटी क्या है हमारी? यूनिट फ्री है. यानी इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता. यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती. कैसी यूनिट? मीन कि जो मीटर होता है, किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, ये सब यूनिट्स होती है ना हमारी, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कोई भी यूनिट नहीं होती है. और प्राइस इलास्टिसिटी रेंज फ्रॉम 0 to infinite. इसकी जो रेंज होती है वो 0 to infinite होती है. अब डिमांड को जो हम डिसाइड करते हैं उसको दो ही चीज, दो फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं, या तो प्राइस करता है या एनी अदर फैक्टर. यानी प्राइस जो हमारी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है वो किसके द्वारा होती है? या तो प्राइस के द्वारा होती है या एनी अदर फैक्टर के द्वारा होती है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है. पहली क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें क्या लेंगे? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सबसे पहले हमारी आएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू अ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से उसकी डिमांड पर कितना परसेंट इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकेंड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटिव गुड. रिलेटिव गुड कौन से हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जितना परसेंटेज चेंज आता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड में कितना चेंज आता है. दैट इज कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थर्ड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refer to the percentage change in the demand for a commodity with respect to the percentage change in the income of the consumer. किसी consumer की income में जो percentage change आता है, जितना percentage change आता है उसके ratio में कितनी demand change होती है उसको बोलते हैं income elasticity of demand. हमारे course में क्या होता है? केवल price, जो price elasticity demand है वही है. Cross elasticity demand भी नहीं है और income elasticity of demand भी नहीं है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी. यानी वही मैंने जो अभी बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
प्राइस में, किसी कॉमोडिटी के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आता है, मीन जैसे 10% हमारा किसी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आया, इसमें चेंज आया प्राइस में 10% चेंज आया, इसके रेस्पेक्ट में जो प्राइस हमारी यदि इंक्रीज हुआ है तो डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है, डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है, 20%, 5% या कितनी, उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी किसी कॉमोडिटी के कितने परसेंट चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सम पॉइंट्स अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट एस्टेब्लिश अ क्वांटिटी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स प्राइस, यानी ये रिलेशनशिप बताता है किसका, कि प्राइस में किसी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहते हैं, एंड हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिक लार्जर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इन द कॉमोडिटी ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी हमारी, इसको हम डिनोट करते हैं ईडी से, वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही लार्जर इफेक्ट माना जाएगा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नंबर जितना अधिक होगा या जितनी ज्यादा अधिक होगी उतना ही ज्यादा क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट दिखाया जाएगा, लार्जर इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस के चेंज होने का उस पर डिमांड पर इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो। फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन द प्राइस लेड टू अ ग्रेटर चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द टू कॉमोडिटी, एक एक्स कॉमोडिटी है आपकी और वाई कॉमोडिटी है, तो उसके प्राइस में कितना चेंज आया, 10% चेंज आया, 10% चेंज आने से जो एक्स कॉमोडिटी की जो डिमांड थी वो कितनी फॉल हुई, 20%, और वाई कॉमोडिटी की हुई 5%, यानी एक्स कॉमोडिटी हमारी मोर इलास्टिक हुई, क्यों, क्योंकि ये 10% से ज्यादा है, और जो वाई कॉमोडिटी हुई उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई है, लेस हुई है, क्यों, क्योंकि वो 10 से कम है, 5% है, देन कॉमोडिटी एक्स इज सेड टू बी मोर इलास्टिक एज द कंपेयर टू द कॉमोडिटी वाई, जैसे हम देते हैं एक कॉमोडिटी है आपकी, कोई भी कॉमोडिटी है, एक्स कॉमोडिटी है, उसका 10% आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, यदि उसकी डिमांड, ये हुआ आपका प्राइस इंक्रीज, यदि उसकी डिमांड डिक्रीज हुई 20%, तो वो हो गई मोर इलास्टिक, यदि उसकी प्राइस डिमांड आपकी 5% डिक्रीज होती है तो वो होगी लेस इलास्टिक, क्लियर, और इक्वल होती है यदि 10% के रेशो में 10% ही हमारी डिक्रीज होती है तो वो हो जाएगी इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्री मेथड है इसमें, वैसे तो और भी मेथड है लेकिन इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके कोर्स में गिवन है वो यही है, सबसे पहले होगा परसेंटेज मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है, एंड प्रोपोर्शनेट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले हम क्या लेंगे, परसेंटेज मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर एज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी प्राइस के परसेंटेज चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया, दैट इज वो कौन सा मेथड होगा हमारा, परसेंटेज मेथड, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से, कैपिटल ई स्मॉल डी, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जहां पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड किसको बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, यानी क्यू डेल्टा क्यू, क्यू क्या हुआ हमारा, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी होती है जो डिमांड की जाती है स्टार्टिंग के प्राइस में, इनिशियल प्राइस भी बोल देते हैं इसको, इनिशियल क्वांटिटी भी बोल देते हैं, पी को इनिशियल प्राइस बोलेंगे और क्यू को इनिशियल क्वांटिटी बोलेंगे, यानी स्टार्टिंग में जो हमारी क्वांटिटी डी भी होगी, और क्यू वन क्या होगा, प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी हमारी चेंज होगी वो हो जाएगा क्यू वन। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा क्यू कैसे करेंगे, क्यू वन जो हमारी बाद वाली न्यू डिमांड क्वांटिटी है माइनस क्यू, ये क्या कहलाएगा हमारा, डेल्टा क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, यानी कितनी चेंज हुई है प्राइस के रेस्पेक्ट में, हमारी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हुई है, चेंज इन क्वांटिटी
डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100. अब चेंज इन क्वांटिटी मैंने बताया डेल्टा क्यू इजिकल टू क्यू वन माइनस क्यू हो गया. परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस यानी डेल्टा पी अपॉन इनिशियल प्राइस, वही हो गया आपका डेल्टा पी इक्वल टू पी अपॉन पी वन अपॉन पी. ये क्या होगी न्यू प्राइस हो गया हमारा, ये क्या हो गया इनिशियल प्राइस स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो हमारा प्राइस होगा, और इसको इंटू कर देंगे हम 100 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एंड लास्ट वन इज चेंज इन द प्राइस पी वन माइनस पी. अब लेते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, वो हमारा किसका फॉर्मूला था परसेंटेज मेथड का, अब हमारा आएगा प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला. द परसेंटेज मेथड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू द प्रोपोर्शनेट मेथड, जो परसेंटेज मेथड होता है उसको प्रोपोर्शनेट मेथड में कन्वर्ट किया गया है. वही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट किससे किया गया ईडी से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100. इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी. तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. क्लियर, क्यू क्या है हमारा जो मैंने अभी बताया था इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, मीन क्या हुआ स्टार्टिंग में जो हमारे प्राइस थे उसके साथ हमारी कितनी डिमांड की गई थी. डेल्टा क्यू क्या हुआ हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा, यानी क्यू वन माइनस क्यू, ये क्या कहलाएगा हमारा डेल्टा क्यू क्वांटिटी डिमांडेड. पी क्या हो गया हमारा इनिशियल प्राइस हो गया, क्यू वन क्या हो गया न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, और डेल्टा पी वही चेंज इन द प्राइस पी वन माइनस पी हो जाएगा. और पी वन क्या है हमारे न्यू प्राइस, इसमें देखो पी इनिशियल प्राइस, पी वन न्यू प्राइस, क्यू इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू वन न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस में क्या होगा पी वन माइनस पी करेंगे तो हमारी चेंज इन प्राइस आ जाएगा, और क्यू वन माइनस क्यू करेंगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा जिसको हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं. अभी क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल का. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 10 टू 8. यानी हमारी ये हो गई 4 यूनिट्स क्या है हमारी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड और 5 क्या है हमारा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमारा Q हो जाएगा और ये हमारा Q1 हो जाएगा. अब ऐसे ही प्राइस में ये हमारा P है यानी इनिशियल प्राइस और ये क्या हो गया 8, ये न्यू प्राइस हो जाएगा यानी P1. इस तरह से हम डेल्टा Q निकाल सकेंगे डेल्टा P. तो इसमें फॉर्मूला लिख लिया पहले हमने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अब सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100. डेल्टा क्यू क्या है हमारा, डेल्टा क्यू क्या है हमारा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू, और क्यू वन क्या है हमारा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. इनिशियल क्वांटिटी क्या हुई हमारी 4, इंटू 100. तो ये क्या हुआ हमारा 25 जा जाएगा 25%. 25% हमारा क्या आया परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड यानी प्राइस के चेंज होने से हमारे 25% हमारी डिमांड में चेंज आया. अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितने प्राइस के चेंज होने से हमारा जो 25% आया वो कितना आया है, यानी चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस क्या होता है डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या होता है हमारा पी वन माइनस पी. पी वन क्या है हमारा 8 जो न्यू आपका प्राइस होगा, और पी क्या होगा हमारा इनिशियल प्राइस यानी 10 इक्वल टू माइनस 2. तो माइनस 2 अपॉन क्या आएगा हमारे इनिशियल प्राइस. इनिशियल प्राइस क्या है हमारा 10 अपॉन 100 इंटू 100 सॉरी इक्वल टू माइनस 20%. तो ये क्या आया परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी माइनस 20% और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन 25%. अब इसमें क्या निकालना है हमें बोलना परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या है हमारी 25%. क्या है वो 25%.
और 25% को हम 20 से डिवाइड करेंगे, माइनस 20 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, क्यों लेंगे अभी हम बताएंगे। 21 जा 20 2 जा एंड 5 जा, ये आ गया 1.25 मोर इलास्टिसिटी, इसको बारे में बाद में बताएंगे, बस इसका आंसर क्या आया 1.25। ये माइनस, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करते हैं, माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा इसमें क्या बताया जाता है, जो ये माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्या डिफाइन करता है, ये सिग्निफाई करता है हमारा प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशन को, कि प्राइस के घटने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज होती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, इसलिए ये माइनस का साइन होता है। अभी इसी न्यूमेरिकल को, सेम न्यूमेरिकल को हम करेंगे किससे, प्रोपोर्शनेट मेथड से, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट, 4 से 5 यूनिट बढ़ गई ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 10 to 8। अब इलास्टिक इसमें देखो, जो हमारा ईडी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये किस कौन से फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनेट मेथड का, इनटू पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू वन माइनस क्यू, और डेल्टा पी क्या होता है, पी वन माइनस पी। तो इनिशियल प्राइस, सबसे पहले जो हमारा क्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल प्राइस, यानी स्टार्टिंग का प्राइस हो रहा है हमारा। उसके बाद हमारा क्यू वन क्या होता है, प्राइस, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है प्राइस के चेंज होने पर, वो कहलाती है हमारी न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, क्लियर, उसको बोलेंगे हम क्यू वन, इसको क्यू बोलेंगे, इसको क्यू वन बोलेंगे। क्यू वन क्या है हमारा, 5, क्यू क्या है हमारा, 4, डेल्टा क्यू क्या होगा, क्यू वन माइनस क्यू, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, क्लियर। अब डेल्टा पी देखते हैं, पी वन और पी, ये क्या है हमारा, पी जो इनिशियल प्राइस होगा, और ये पी वन, ये क्या होगा, न्यू प्राइस। यहाँ पे पी क्या है हमारा, 10, न्यू प्राइस क्या है हमारा, 8 8 माइनस 10, पी वन माइनस पी क्या बन जाएगा, डेल्टा पी, पी वन माइनस 10, 8 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2, क्लियर। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या आया हमारा, 1 अपॉन क्यू क्या आया है हमारा, क्यू क्या आया है, 4, 1 अपॉन 4 इंटू पी क्या है हमारा, 10, और डेल्टा पी क्या है हमारा, -2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 5 अपॉन -4 इक्वल टू -4, को हम ब्रैकेट में करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 हुआ है, 4 2 जा 8 पॉइंट करके, एंड 4 5 जा 20। तो ये 1.25 आपने देखा होगा, प्रोपोर्शनेट मेथड और जो हमारा परसेंटेज मेथड था, दोनों से आंसर हमारा सेम आया। इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में साइन वुड बी इग्नोर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों, क्योंकि जो माइनस साइन होता है वो क्या करता है, सिग्निफाई करता है इनवर्स रिलेशनशिप को, किसके इनवर्स रिलेशनशिप को, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, When price rises, उसमें क्या था, प्राइस फॉल हो रहा था, इसमें प्राइस राइज हो रहा है, ये हमारा इसमें क्या है, पी हो गया, इनिशियल प्राइस हो गया, और ये हो गया हमारा पी वन। When price rises from P, from 8 to 10, the demanded fall from 5 units. 5 units क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया, और जब उसको डिक्रीज हुई उसके प्राइस के इंक्रीज होने पर, ये क्या हो गया हमारा, क्यू वन। What will be the elasticity of demand? Elasticity of demand, percentage method में वही formula होगा, elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in the price. सबसे पहले हम निकालेंगे percentage change in quantity demanded. इसमें क्या आएगा, change in quantity demanded. Change क्या आया, यानी delta Q क्या होगा, Q1 minus Q, यानी Q1 minus Q. Q1 क्या है हमारा, 4, 5 equal to 1. माइनस वन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -1 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारी, 5 5 इंटू 100, ये क्या आ गया आपका, 20 इक्वल टू माइनस
20%, क्लियर। इसके बाद चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस फिर वही निकालेंगे, डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी में क्या होगा, पी वन माइनस पी, पी वन क्या है हमारा 10, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 2 अपॉन इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस क्या होगा हमारा 8 इंटू 100, 2 4 जा एंड 4 25 जा, ये आ गया आपका 25%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, माइनस 20% अपॉन 25 इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 0.8, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, माइनस 0.8, माइनस साइन इसमें इग्नोर हो जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। साइन वुड बी इग्नोर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों, माइनस साइन इन माइनस साइन सिग्निफाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड से। इसमें वही ईडी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पी अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू क्या होगा हमारा क्यू वन माइनस क्यू, और डेल्टा पी क्या होगा हमारा पी वन माइनस पी। क्यू क्या है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू वन क्या है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डेल्टा क्यू क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू वन एंड क्यू का डिफरेंस। पी क्या हुआ, इनिशियल प्राइस, पी वन न्यू प्राइस, डेल्टा पी क्या हुआ, चेंज इन प्राइस, यानी पी वन एंड पी का डिफरेंस। क्यू वन, क्यू वन क्या है हमारा, सबसे पहले हम लेंगे क्यू वन, क्यू वन हमारा ये हो गया 4 यूनिट्स, क्यू क्या है हमारा 5 यूनिट्स, यहाँ पे 5 यूनिट, क्यों 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी, और ये चेंज होके क्या हो गई, न्यू न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 4 आ गई, तो डेल्टा क्यू क्या होगा 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1। ऐसे ही पी वन, पी वन क्या हो गया, न्यू प्राइस यानी 10, और जो इनिशियल प्राइस था हमारा पी वो क्या था 8, तो 10 माइनस 8 डेल्टा पी क्या होगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, क्लियर। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डेल्टा क्यू क्या हुआ हमारा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन क्या आएगा क्यू, क्यू क्या है हमारा 5 इंटू पी, पी क्या है हमारा 8 अपॉन डेल्टा पी, वो हो गया हमारा 2, 2 4 क्या आ गया इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5, माइनस का डाल देंगे और 0.8, सेम आया आंसर हमारा। इसमें भी साइन इग्नोर होगा, और क्या क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, मैथमेटिकली कुछ नहीं होता इसमें। अब थर्ड आता है, थर्ड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि हम जो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। कैलकुलेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या दिया हुआ है, प्राइस 5 and 6 और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 500 and 420। अब देखिए प्राइस गिवन है, इनिशियल प्राइस 5 हो गया हमारा ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस भी हो जाएगा, और इसमें क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी यूनिट्स निकालनी है हमें। कैसे, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, मीन 500 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 100 यूनिट्स आ गया आपका। ये होगी हमारी इनिशियल या ओरिजिनल क्वांटिटी, क्लियर। उसके बाद हमारा ये आया 420 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं पहले, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हुई हमारी 100 हुई, चेंज होकर क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी कितनी हुई हमारी 70, क्लियर। और चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई -30, यानी 70 माइनस क्यू वन माइनस क्यू, 70 माइनस 100 इक्वल टू -30। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितने की बने हमारे स्टार्टिंग में 5, और उसके बाद न्यू प्राइस कितने हुए हमारे 6, न्यू प्राइस कितने हुए 6, पी वन माइनस पी यानी 6 माइनस 5 कितना बन गया 1, ये हो गया हमारा डेल्टा पी, क्लियर। अब इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी, डेल्टा क्यू क्या है हमारा
बताइए, -30 अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होगा हमारा, 1, डेल्टा पी क्या होगा 1 इंटू पी, पी क्या है हमारा यानी ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारे 5, इनिशियल प्राइस ओरिजिनल प्राइस, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा क्यू यानी 100। तो कितना बन गया इसका, 1.5 माइनस 1.5 माइनस, वही इग्नोर रहेगा क्यों, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में जो क्या होता है हमारा माइनस को शो नहीं किया जाता, ना ही उसको इग्नोर किया जाता है। ईडी क्या आया हमारा, -1.5। इसकी ये दो लाइनें जरूर लिख के आनी है आपको, नोट जरूर लिख के आना है इसका हर क्वेश्चन में। डिमांड इज हाईली इलास्टिक, क्यों, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, हाईली इलास्टिक हुई क्यों। साइन माइनस साइन वुड बी इग्नोर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज हियर माइनस साइन सिग्निफाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अभी तक हमने क्या मेजर किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब उसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड गिवन होता था और हमें इलास्टिसिटी ऑफ जो होती है वो निकालनी होती। अब इसमें क्या होगा, इन क्वेश्चन में होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी गिवन होगा, इसमें प्राइस या क्वांटिटी हमें को निकालनी। कैसे, जैसे हमारा ये दिया है, द डिमांड फॉर अ गुड एट 10 रुपी पर यूनिट इज 40 यूनिट, यानी 10 रुपी पर यूनिट, यानी 10 रुपी पर यूनिट की हमारी क्या प्राइस, और कितनी यूनिट परचेज की गई, 40 यूनिट, और इसमें क्या आया, प्राइस फॉल बाय 5 यानी फॉल हो गया, यानी चेंज आया, कितना चेंज आया, -5 का चेंज आया, कम हुई ना, -5 का चेंज आया, न्यू प्राइस हमारा 5 हो जाएगा। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3, ये हो गया आपका -3, ये है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड को हमें फाइंड आउट करना है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, इसके द्वारा ही तो हम न्यू क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है हमें नहीं पता है, इसको हमें फाइंड आउट करना, क्लियर। अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है हमारा -5 इंटू पी, पी क्या है हमारा 10 और क्यू क्या है हमारा 40 यूनिट। फोर जो हो जाएगा यानी, और इलास्टिसिटी डिमांड क्या है हमारी -3 इक्वल टू, यही तो होगा ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इक्वल ही तो है ना ये, इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन, डेल्टा क्यू अपॉन क्या है हमारा -20, ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन इजिकल टू क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा क्यू अपॉन इजिकल टू क्या आएगा हमारा 60। अब हमने यहाँ देखा हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस के डिक्रीज होने पर क्या होती है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहाँ पर हम इनिशियल क्वांटिटी में क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारी 40, प्लस क्या करेंगे हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया हमारा 60, ये आ जाएगी हमें हमारी न्यू क्वांटिटी इक्वल टू 100 यूनिट, 100 यूनिट, क्लियर है। इस तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स इज 5, द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, एट व्हाट प्राइस वुड बी द वुड बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट टू गुड एक्स, द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर गुड्स इज एक्स इज 2, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी 2 होगी। सबसे पहले हमारे क्या थे प्राइस 5, इनिशियल प्राइस क्या थे हमारे 5, ठीक है, कितनी यूनिट्स हमने परचेज की 100, फिर हम कितनी परचेज करना चाहते हैं 140 हम परचेज करेंगे, हमने क्या की क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज कब होती है जब हमारे प्राइस डिक्रीज होते हैं, यानी हमारे जो यहाँ प्राइस होंगे डेल्टा भी आएगा वो माइनस होगा इनिशियल से,
यहाँ देखिए, प्राइस के क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कब होती है? जब हमारे प्राइस डाउन होते हैं। और डेल्टा क्यू क्या हुआ हमारा? 40। कैसे? Q1 माइनस Q 140 माइनस 100। अब ये न्यू प्राइस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा क्यू क्या है हमारा? डेल्टा क्यू ये 40 यूनिट्स अपॉन डेल्टा पी क्या है हमारा, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इनटू उसके बाद क्या आएगा हमारा पी। पी क्या है हमारा? 5 अपॉन क्यू। क्यू क्या है हमारा? 100 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। इक्वल टू, इसके इक्वल टू 2 आएगा, आएगा ना इसमें 2, माइनस का तो कुछ नहीं है ना हमारा, सब प्लस ही है। इक्वल टू 4 5 20 5 2 2 4 ऐसे कर, यानी ये क्या है? 2 अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा? 1। डेल्टा पी इजिकल टू 1, 2 से 2 कट जाएगा तो डेल्टा पी इजिकल टू 1। एज द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज, मैंने यहाँ बताया था क्वांटिटी डिमांडेड जब इंक्रीज होती है तो प्राइस विल भी डिक्रीज। प्राइस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इनिशियल प्राइस में से क्या करेंगे? जो इनिशियल प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है, उसमें से चेंज इन प्राइस यानी डेल्टा पी को माइनस कर देंगे। इनिशियल प्राइस क्या है हमारा? 5। डेल्टा पी क्या है हमारा? चेंज इन प्राइस कितना आया? 1। तो इक्वल टू 4, यानी 4 रुपीज। क्लियर? ये आ जाएगा 4 रुपीज। वही होगा, माइनस साइन इग्नोर होगा, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। माइनस साइन इग्नोर होगा, वुड बी इग्नोर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि माइनस साइन सिग्निफाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्लियर? सो थैंक यू एवरी वन, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। If you have any doubt, you can ask me in the comment and I will see you in the next video. Thank you. Bye-bye.